नमस्कार दर्शकों, रितम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 6 दिसंबर दिन बुधवार, विक्रम संवत है 2080, शक संवत है 1945, संवत्सर है पिंगल, सूर्य है दक्षिणायन, ऋतु है हेमंत और हिंदी महीना है मार्गशीर्ष मास, जिसके कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि जो आज 12 बजे के बाद, रात्रि 12 बजे के बाद 3:03 तक रहेगी। मतलब पूरा दिन आपका नवमी रहेगी और 12 बजे रात तक भी नवमी रहेगी, 12 बजे के बाद भी नवमी रहेगी और 3:03 पर पूर्ण हो जाएगी। तो 3:03 मध्य रात्रि के बाद के समय के बाद दशमी लग जाएगी। तो इस तरह से तिथि का हिसाब किताब है। तो आइए अब देखते हैं सभी राशियों का क्या हाल है, आप सभी राशियों वाले का कैसा दिन है रहेगा आज का देखा जाए। तो मेष राशि से शुरू करते हैं, मेष राशि वालों का क्या हाल है देखा जाए। मेष राशि वालों का आज का दिन थोड़ा सावधानी बरतने का है। ऐसा दिख रहा है कि आपको कुछ दिक्कत आ सकती है, थोड़ी परेशानी आ सकती है, आपके सुख में कुछ प्रॉब्लम आएगी। आप ऐसा भी हो सकता है कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं, कुछ गलती कर सकते हैं, कुछ परेशान हो सकते हैं। तो आज के दिन अपने आप को विचलित ना होने दें। सबसे पहले तो बात यह करनी है कि आज के दिन अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, मतलब किसी भी तौर पे आपके अंदर पानी की कमी शरीर में नहीं होनी चाहिए। आप भरपूर मात्रा में जल पिए तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ साथ कोई भी ऐसी सुख की उम्मीद आज तो ना करें। आज ये ना सोचें कि आराम कर लेते हैं या ऐसा कुछ हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा, ऐसा हो नहीं पाएगा। तो उसके बारे में अगर सोचेंगे तो अननेसेसरी आप अपने आप को दुखी करेंगे। आज के दिन मेहनत करने का और कड़ी मेहनत करने का समय आपका हर तरह से अच्छा है। आपके कार्य में किसी तरह की दिक्कत आने का नहीं दिख रहा, आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर, फ्रेंड सबके साथ बहुत अच्छा होने का दिख रहा है, आपकी परमात्मा की कृपा बहुत अच्छी दिख रही है, आपके सीनियर से भी बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत कुछ अच्छा आपके जीवन में दिख रहा है, बशर्ते आप नेगेटिविटी में ना उलझें। आप सुख की चिंता आज ना करें, सुख के बारे में बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करें कि आपको सुख मिल जाएगा, और मेहनत करें, खूब जम के मेहनत करें, बहुत अच्छा रहेगा और आपको लाभ मिलेगा। आज के दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप महामंत्र का जाप करके शुरू करें पूरा दिन, और चंदन का टीका जरूर लगाएं, और मंत्र जाप करके, अगर महामंत्र का जाप किया आपने, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, या मंत्र जाप करते हो तो जाप करते समय सामने बाउल में या फिर मटके में, छोटे से कलश में आप जल रख ले, मंत्र जाप करें और जाप करने के बाद उसी जल को आप पिए। अगर ऐसा कर लेते हो तो सारा दिन आपके लिए पॉजिटिविटी बार बार अपने आप जीवन में, अपने शरीर में पॉजिटिविटी डालते जाएंगे, जिससे आपका मन नेगेटिव नहीं होगा, उत्साहित रहेगा और पूरी तरह से लाभ ले पाएंगे। इस तरह से करना आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। टीका भी जाप करने के बाद आप लगाएं और जाप करें तो उससे बहुत ही फायदा होगा। इससे आपके मस्तक में भी पॉजिटिविटी रहेगी, आप मतलब कोई भी विचार आपके अंदर नेगेटिव नहीं आएंगे, और मस्तक पे टीका लगाना बहुत ही फायदेमंद रहता है। इससे आपका माइंड कंसंट्रेट कर पाता है, केंद्रित हो पाता है, आज्ञा चक्र होता है यहाँ पर, तो इसलिए आज्ञा चक्र को अगर आप ऊर्जावान बना रखेंगे आपका सारा दिन सही तरीके से, सही फोकस पे आप काम कर पाएंगे और सफल हो पाएंगे। बेहद अच्छा रहेगा यदि आप पीला वस्त्र धारण करें और साथ साथ हरा वस्त्र भी धारण करें तो और भी सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो आइए दर्शकों, आप देखते हैं वृषभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। वृषभ राशि वालों का आज का दिन थोड़ा सा बात करने का मन नहीं है, इस तरह की नेगेटिविटी का है। तो आपका किसी से कुछ डील होना था, बातचीत करनी थी, कुछ डिस्कस करना था, कोशिश करें कि टाल दें, दो दिन के लिए कम से कम टाल दें, दो दिन के बाद बात कर लीजिए, अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी आपका मन पूरी तरह से, एक तरह से उत्साहित नहीं है बात करने के लिए। कोई बात नहीं, इस समय पर सेल्फ असेसमेंट कर लीजिए, आपके जीवन में बहुत कुछ पॉजिटिव हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आपके साथ गड़बड़ हो रहा है। तो जो अच्छा हो रहा है उसको कैसे ठीक से करें, उसको कैसे बैलेंस करें, सही समय का सदुपयोग कैसे करें, इस बारे में विचार कर लीजिए। अपने बारे में सेल्फ असेसमेंट करके अपने काम के बारे में सेल्फ असेसमेंट करें कि आप किस तरह से अपने काम में समय दे पा रहे हैं और आप किस तरह से समय को बेटर कर पाएंगे काम में, तो अच्छा रहेगा। परिवार के बारे में भी विचार करें, इन सब के बारे में विचार करके अच्छी सी प्लानिंग करें तो बहुत अच्छा रहेगा।
चुपचाप शांत मन से अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ और बहुत ही फायदेमंद रहेगा। आपका मन बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा डूब रहा है, बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा है, ज़्यादा चिंता में पड़ने के बजाय टॉपिक लिख के आपके कागज़ पर लिख लें कि आप क्या क्या किस बारे में प्लानिंग करना चाहते हैं और वन बाई वन प्लानिंग करते जाएँ और उसको नोट करते जाएँ। नहीं तो क्या है, आप भूल जाएंगे आपकी क्या प्लानिंग थी और कुछ और कर पाएंगे कर जाएंगे। ऐसा थोड़ा समय दिख रहा है, इसीलिए उलझने का थोड़ा दिख रहा है, लेकिन समय आपका बहुत बलवान है। तो इसीलिए आप अपने आप को बस अलाइन करिए, अपने आप को बैलेंस करिए और आगे बढ़िए, आप बहुत अच्छे तरीके से सफल हो सकते हैं। इसके लिए बेहद अच्छा रहेगा कि यदि आप लाल वस्त्र धारण करें, लाल कलर अपने जीवन में शामिल करें, बेहद अच्छा रहेगा। और साथ साथ नीला वस्त्र भी आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। इनका कॉम्बिनेशन आपको उत्साहित रखेगा और सही निर्णय लेने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। इससे आप इनका सदुपयोग कर पाएंगे और सफलता के एक कदम आगे बढ़ने में आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा। तो आइए दर्शकों, अब देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मिथुन राशि वालों के परिवार में कुछ थोड़ी सी उलझन होने का दिख रहा है। आपके पारिवारिक जीवन में, आपके कुटुंब में कुछ ऐसी समस्या सी, कुछ परेशानी सी, जहाँ पर आपकी सख्त ज़रूरत होगी। ऐसे समय पर कोशिश करें परिवार के साथ अच्छा तालमेल बिठाएं, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, जल जरूर पिए, ठीक तरीके से जल पिए। कई बार ठंड की वजह से व्यक्ति जल नहीं पी पाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर कई तरह की ऊर्जा की कमी हो जाती है। और आपको खासतौर पर, विशेष तौर पर यदि कम पानी पीने की वजह से चंद्रमा का आपका बल अगर कमज़ोर हो जाएगा तो आपको दिक्कतें आएंगी। तो इसीलिए कोशिश करें कि चंद्र भगवान को का संबंध अच्छे आपसे बना रहे, इसके लिए आपके अंदर शरीर में जल होना चाहिए। तो इसलिए आप जल जरूर ग्रहण करें ठीक तरीके से, साथ साथ चंद्र भगवान से भी प्रार्थना करें हृदय से कि चंद्र भगवान आपको बल दें, तो उससे आपके अंदर मानसिक शांति आएगी। साथ साथ अपने परिवार को भी सहयोग दें, और परिवार के साथ सहयोग मिलेगा, अगर उनको सहयोग मिलेगा तो आपको भी रिस्पांस अच्छा मिलेगा और जिस रिस्पांस से आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो कहते हैं ना, गिफ्ट टू द वर्ल्ड द बेस्ट यू हैव द बेस्ट विल कम बैक टू यू। यहाँ पर ऐसा ही होगा कि आप अपनी फैमिली को बेस्ट दीजिए और आपकी फैमिली से जो इको होकर बेस्ट आएगा वो आपके लिए बस इतनी सी ज़रूरत है। बाकी सब कुछ तो आपका बहुत अच्छा दिख रहा है, आपका माइंड बहुत अच्छा काम कर रहा है, आपका काम भी बहुत अच्छा दिख रहा है और आपके अंदर बहुत कम्पिटिटिव भावना दिख रही है, मतलब जोश दिख रहा है आगे बढ़ने के लिए, उत्साह बहुत अच्छा दिख रहा है। इन सब का फायदा उठा करके आगे बढ़ने की कोशिश करिए, आप बिल्कुल सफल होंगे और अच्छी तरीके से आगे बढ़ेंगे, ऐसा यहाँ पर दिखता है। आज के दिन अगर आप चाहते हैं कि और भी लाभ लें तो हरा रंग आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा और पीला रंग भी आपको बहुत सहयोग करेगा, साथ में सफ़ेद कलर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइए दर्शकों, अब देखते हैं कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन सावधानी बरतने का है। आज के दिन आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। आप कुछ अच्छा नहीं सोच पाएंगे अपने बारे में, अच्छा निर्णय नहीं ले पाएंगे और ऐसे में चोट भी लग सकती है, दुर्घटना भी हो सकती है और कुछ परेशान भी हो सकती है। तो अपने आप को संभालें, सब कुछ, सारी सिचुएशन आपके फेवर में दिख रही है, कोई भी ऐसी बात नहीं दिख रही जो गड़बड़ है, सिर्फ थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है कॉम्बिनेशन जिसकी वजह से दिक्कत होने का बन रहा है। तो अपने आप को बाहर न ले जाएं, ट्रैवलिंग न करें, कुछ ऐसा रिस्क वाला काम न करें जहां पर आपको चोट लग सकती है, नुकसान हो सकता है या कुछ गड़बड़ हो सकता है। अपनी सेफ्टी का विशेष तौर पर ध्यान रखें, आज तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका माइंड बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत ही एफिशिएंट है आपका दिमाग अभी, और बहुत अच्छे तरीके से सही डिसीजन लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, ऐसी स्थिति में आप हैं। तो आप आज के दिन कोशिश करें कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, बहुत अच्छे तरीके से आपके शरीर में जल की मात्रा बहुत अच्छे तरीके से हो, जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंट होकर के सही डिसीजन ले पाएं और किसी भी तरह की अनहोनी से बच सकें। अगर आपने इतना सा ध्यान रख लिया तो सफलता निश्चित तौर पर आपको प्राप्त होगी। श्वेत वस्त्र पहनना बहुत ही आवश्यक होगा और आज के दिन आप पीला वस्त्र भी धारण करेंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह से आप परमात्मा से प्रार्थना करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। विष्णु भगवान की पूजा करना बेहद फायदेमंद रहेगा। कृष्ण भगवान का जो मंत्र है वो महामंत्र, वो भी जाप करें, यह भी आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। इससे आप काफ़ी अच्छे तरीके से अपने आप को संतुलित रख पाएंगे और किसी तरह के नेगेटिविटी से बच पाएंगे। तो आइए दर्शकों, अब देखते हैं सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आपके मन में बहुत अच्छे अच्छे भावनाएं, बहुत अच्छे विचार चल रहे हैं, काफ़ी हद तक फिलोसफिकल थॉट्स आ रहे हैं आपके दिमाग में। अच्छी बात है, अच्छी बात। तो वो फिलोसफिकल बातों को आप आने दें, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन उसमें उलझ ना जाए। मतलब बहुत सारी बढ़िया बढ़िया बातें आप कर रहे हैं लेकिन आप काम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है।
तो ठीक है, वो थॉट्स आने दें, खाली समय है अगर तो आप समय का इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी अच्छी बातें सोचें, आध्यात्मिक चिंतन करें, लेकिन आप समय बहुत ही बलवान है आपका, आपके कार्य क्षेत्र में आपकी सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत कुछ डेवलपमेंट होने वाला है, आपके फैमिली में भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट होने का दिख रहा है, आपके जीवन साथी पार्टनर के साथ भी बहुत अच्छा रिश्ता सुधरने का, अच्छा होने का दिख रहा है, सब कुछ बेहतरीन दिख रहा है। ऐसे समय पर अगर आप परफॉर्म करना चाहते हैं तो बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, इसीलिए किसी भी चीज़ में उलझे नहीं, अपने आप को भटकने ना दें, ट्रैक पर रहें, सीधे चलें, बहुत ही अच्छा रहेगा। आज के दिन बहुत अच्छा रहेगा कि यदि आप लाल वस्त्र धारण करेंगे और साथ में हरा वस्त्र धारण करेंगे तो आपको बहुत उत्साहित रखेगा, लाल हरा का कॉम्बिनेशन वो भी बहुत अच्छा रहेगा, इससे आप इतने उत्साहित रहेंगे कि बहुत अच्छी अच्छी प्रोडक्टिव थॉट्स पे अपने काम कर पाएंगे और सफलता की तरफ बहुत आसानी से आगे बढ़ पाएंगे। आइए दर्शकों, अब देखते हैं कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन ऐसा दिख रहा है कि आज के दिन आपको जो मिलना चाहिए, जो सफलता मिलनी चाहिए, जो लाभ मिलना चाहिए था, वो पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा। जैसे आप किसी से पेमेंट लेना चाहते थे, आप लेना 1 लाख चाहते थे, हो सकता है वो कहे भी 40,000 रुपये ले लो, तो आप निराश ना हो, थोड़े समय की बात है, अभी समय इतना नहीं है कि जो पूरी तरह से 100% बेनिफिट दे पाए, तो जब 100% बेनिफिट मिलने का समय ही नहीं है तो आप कितनी भी कोशिश करेंगे पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो पाएगा और अपने आप को दुखी करेंगे और अपनी एनर्जी भी वेस्ट करेंगे। तो जो मिल रहा है इसमें संतोष करते हुए आप फर्दर कमिटमेंट्स करवा लें, जिनसे लेनी है पेमेंट्स, तो भाई 2-3 दिन के बाद का डेट ले सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, उसके बाद का समय पर सहमति कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके पहले चांसेस कम ही है मिलने के। तो इस तरह से अगर आप कोशिश करेंगे तो आप सभी समय का सदुपयोग कर पाएंगे और पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस कर पाएंगे। आपके कार्य में बहुत कुछ अच्छा डेवलपमेंट होने का दिख रहा है, आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा काम कर रहा है, आपको बहुत सारी बातों का आभास हो रहा है कि हम ऐसा करेंगे तो अच्छा रहेगा, वैसा करेंगे तो अच्छा रहेगा, इसके साथ अच्छा करेंगे तो, मतलब किसके साथ क्या करना है, कौन सा काम करना है, ये सब आपके माइंड में बहुत अच्छा चल रहा है, भगवान की बड़ी कृपा दिख रही है। तो ऐसे समय का पूर्ण सदुपयोग करिए, परमात्मा का धन्यवाद करते हुए पूरा ध्यान से बैठें और परमात्मा इस समय का सदुपयोग करें तो आप बहुत अच्छी तरीके से सफलता की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। आपके जीवन साथी के साथ और आपके पार्टनर के साथ, आपके मित्रों के साथ बहुत अच्छे संबंध होने का दिख रहा है, तो उनके साथ भी अच्छा संबंध, अच्छा समय बिता करके उनके साथ भी सही, उनका सहयोग भी लें, उनको भी शामिल करें अपने जीवन में, इससे आप बहुत अच्छे तरीके से बलशाली होकर के आगे बढ़ पाएंगे। तो इस तरह से आप दिन का सदुपयोग करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज के दिन श्वेत वस्त्र पहनना बेहद आवश्यक होगा, साथ में जल भी आप शरीर में पूरी तरह से रखें, अगर जल की कमी हो जाएगी, अगर हाइड्रेटेड नहीं रखेंगे अपने शरीर को, आपको दिक्कत आएगी, इसीलिए जल की पूर्ति हमेशा होती रहनी चाहिए, ऐसे आपको बहुत पॉजिटिविटी रहेगी और साथ साथ आपको आगे बढ़ने में, आगे डिसीजन लेने में बहुत मदद मिलेगी। आज के दिन हरा वस्त्र भी बहुत अच्छा रहेगा, पीला वस्त्र भी बहुत अच्छा रहेगा और आपको शुभता में बढ़ोतरी करेंगे। तो आइए दर्शकों, अब देखते हैं तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि वालों के लिए ऐसा दिख रहा है जैसे कि कुछ आप डिटैच होना चाह रहे हैं, कुछ लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में या कुछ सहयोगी, आपके मित्र जो आपके साथ काम कर रहे थे या आपके ऑफिस में या आपके बिजनेस में सहयोगी थे या स्टाफ थे, वो आपको साथ नहीं दे रहे हैं या आपको छोड़ सकते हैं, ऐसी संभावना बन रही है। इन बातों को समझने की कोशिश करें, यदि कोई व्यक्ति जाना चाहता है तो उसको जाने दें और अच्छे से, अच्छे मन से विदा करें, ताकि ज़िंदगी में किसी मोड़ पर अगर कोई मुलाकात हो तो ऐसा ना हो कि नज़रें झुकानी पड़े। आप अच्छा व्यवहार करते हुए, धन्यवाद करते हुए उनको विदा करें अपने जीवन से और नए लोगों को अपने जीवन में शामिल करने के लिए प्लान करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसा ही दिख रहा है। थोड़ा सा आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी उलझन आएगी, थोड़ी सी वीकनेस आने का दिख रहा है, लोगों के कम होने की वजह से या नहीं होने की वजह से। यह भी हो सकता है कि छुट्टी के लिए, लंबी छुट्टी के लिए लोग जाएं। ऐसे समय पर आपको बहुत ज़रूरी है कि अपने अच्छे तरीके से प्लानिंग करके नुकसान ना हो, इस बात के लिए विशेष ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आज के दिन आपका पॉजिटिविटी बहुत दिख रहा है, इसीलिए किसी भी तरह से नेगेटिव चीज़ों में ना पड़े, जो पॉजिटिविटी दिख रही है मुझे, आप वो पॉजिटिविटी को फोकस करें और आप पॉजिटिव होकर के सही डिसीजंस लें, सफलता मिलेगी ही निश्चित तौर पे, सिवाय जो मैंने थोड़ी सी सलाह दी, इस बात को अगर अमल कर लेते हैं, इस बात को मान लेते हैं, तो आपको और कोई भी दिक्कत तकलीफ होने का नहीं दिख रहा है। इस तरह से अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश करें, आज के दिन अपने आप को संतुष्ट रखने के लिए, अपने आप को बैलेंस रखने के लिए कोशिश करें कि आज के दिन काला वस्त्र हो सके तो धारण करें, ब्लैक कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और साथ साथ लाल वस्त्र भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ब्लैक रेड का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा रहेगा, ये आपको उत्साहित भी रखेंगे, संतुलित भी रखेंगे और कहीं से विचलित नहीं होगा मन, ऐसी स्थिति बनाएगा।
भाई दर्शकों, वृश्चिक राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा देखा जाए। वृश्चिक राशि वालों का आज का दिन भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलने का दिन है, आपके कर्म करने का दिन है। मतलब आप जो भी कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा, लेकिन भाग्य का नहीं मिलेगा। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपकी ज़िंदगी में वैसे भी फ्लक्चुएशन चलता है, कभी बहुत अच्छा हो जाता है, कभी बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। बहुत अच्छा नहीं हो पाता है स्थिति तभी होगी यदि आपने पिछले पुण्य नहीं कमा रखे। यदि आपने पहले से पुण्य कमा रखे हैं, आपके जीवन में जब भाग्य का सहयोग नहीं मिलेगा तो भी आपको कर्म के फल के तौर पर आपको फल मिल जाया करेगा। इसलिए कभी भी भाग्य के भरोसे न चले, आप अच्छे कर्म करते रहें। आप अच्छे कर्म करने वालों में से हैं भी तो आप अच्छे कर्म करते हैं, परोपकार करना आप हमेशा परोपकार पर ध्यान देते हैं। बस अपने मन को व्यथित ना होने दें, अपने मन को किसी भी तरह से पीड़ित ना होने दें, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें, प्रसन्न रखने की कोशिश करें। इसके लिए बहुत आवश्यक रहेगा कि आप हाइड्रेटेड रखें, मतलब अपने जैसे कि अपने शरीर में जल की कमी ना हो, मतलब पानी पीते रहें। अगर पानी काफ़ी पियेंगे, अच्छे तरीके से पियेंगे, तो आपको कमजोरी नहीं महसूस होगी, मतलब मानसिक तौर पर, मन के तौर पर मन पीड़ित या दुखी महसूस नहीं होगा, मन मजबूत रहेगा। और साथ साथ आप महामंत्र का जाप अवश्य करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये मंत्र का जाप करना आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। ऐसा करेंगे तो आपके मन में बल बनेगा, आपके अंदर किसी भी तरह के उत्साह में कमी नहीं आएगी। आपका समय बड़ा बलवान है, बहुत पॉजिटिव दिख रहा है, बहुत कॉन्फिडेंट होने का दिख रहा है, और आपके पर्सनालिटी में भी निखार आने का दिख रहा है। तो इन चीज़ों पर फोकस करके अपना डेवलपमेंट करें, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें, और सफलता निश्चित तौर पर आपके कदम चुमेगी। ऐसी परिस्थिति होगी ही होगी, चाहे भाग्य आपका साथ दे चाहे ना दे। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आज के दिन अगर आप पीला वस्त्र पहनेंगे तो आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा, श्वेत वस्त्र भी बहुत ही फायदा पहुंचाएगा, और इस तरह से आप आज के दिन का फायदा उठा पाएंगे। आइए दर्शकों, अब देखते हैं धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन ऐसा दिख रहा है जिसमें आप कुछ अपने कार्य क्षेत्र में डेवलपमेंट करना चाहेंगे, चेंजेस करना चाहेंगे, कुछ परिवर्तन करना चाहेंगे, और वो अच्छा भी रहेगा। कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आप चेंजेस करिए, डेवलपमेंट करिए। आपका समय बहुत अच्छा है, बहुत बलवान दिख रहा है, बहुत पावरफुल होने का आपका दिख रहा है। तो ध्यान रहे कि जोश में आकर के बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर ना करें, बहुत ज़्यादा खर्च ना करें। खर्च करना अच्छी बात होती है, लेकिन सही वस्तु पे सही कार्य में खर्च करना ठीक रहता है। वो इन्वेस्टमेंट होता है, उससे आपका डेवलपमेंट ग्रोथ होता है, या आप कुछ वस्तु या लाभ पाते हैं या आप पुण्य पाते हैं। लेकिन यहाँ अगर कोई गलत डिसीजन लेकर के आप खर्च कर देते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होता है, तो फिर गड़बड़ है। इस बारे में बहुत अच्छे से विचार करके ही खर्च करें, और नया डेवलपमेंट करें आपके कार्य क्षेत्र में, उससे आपको काफ़ी फायदा होगा, काफ़ी अच्छा होने के चांसेस बन जाएंगे। आपका अभी जीवन साथी के साथ, अपने मित्र के साथ, सबके साथ बहुत अच्छा सहयोग होने का दिख रहा है, सब तरह से अच्छा होने का दिख रहा है। कुछ भी गड़बड़ हो जाए ऐसा नहीं दिख रहा है। आप विशेष तौर पर इस बात का भी ध्यान रखने की कोशिश करें कि आप यदि आपके संतान हैं, आपके बच्चे हैं, तो उनके साथ भी बहुत अच्छा तालमेल बिठाने की कोशिश करें, क्योंकि वो भी आपके साथ बहुत अच्छी तरीके से समय बिताना चाहते हैं, आपके साथ कुछ अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, आपके साथ ट्यूनिंग चाहते हैं, जैसे आपकी ज़रूरत उनको बहुत है। तो ऐसे समय में उनका साथ देंगे तो आप उनके साथ अच्छा संबंध स्थापित कर पाएंगे, और जीवन में आगे भविष्य में और भी बेहतर होएगा सब। तो इस तरह से विशेष ध्यान रखें, और साथ साथ पीला वस्त्र आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा, और साथ साथ हरा वस्त्र भी आपके लिए लाभकारी रहेगा आज के दिन। आई दर्शकों, देखते हैं मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा सा चिंता करने का है, क्योंकि आपका मार्ग में अवरोध होने का दिख रहा है। यदि आप यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं, कहीं जाना चाहते हैं, कहीं से आना चाहते हैं, वापस लौटना चाहते हैं, तो अवॉइड कर दें कुछ दिन के लिए, अच्छा रहेगा, क्योंकि मार्ग में बाधाएं होने का, यात्रा में बाधा होने का दिख रहा है। कोशिश करें कि जहाँ हैं वहीं पर बैठ करके अपना डेवलपमेंट, ग्रोथ या जो भी आपका कार्य है वो करें, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हर तरह से समय अनुकूल है, किसी तरह से कुछ गड़बड़ नहीं दिख रहा है, कोई भी दिक्कत आएगी ऐसा नहीं दिख रहा है। ऐसे समय में बहुत ज़रूरी है कि आप इस समय का सदुपयोग, जो अच्छा समय दिख रहा है, अच्छे कॉम्बिनेशन का जो दिख रहा है, ग्रहों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा दिख रहा है, उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, बजाय कि कहीं और जाने आने में समय बर्बाद करें। तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा, और अपने जीवन साथी के साथ बहुत प्यार सहयोग करें, उनको आपकी ज़रूरत है, मतलब आप उपस्थित रहें उनके लिए हमेशा, और उनका साथ दें। ऐसे में आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे, और आगे जाकर के आपको बहुत लाभ मिलेगा इसका। तो ऐसे करके अगर आप जीवन आज के दिन का सदुपयोग करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और इसको और मजबूत करने के लिए, बलवान बनाने के लिए, आप अगर काला नीला रंग और लाल रंग शामिल करेंगे
तो वह भी बहुत बहुत बल देगा और आज के दिन को बेहतर करने में सहयोग करेगा। तो आइए दर्शकों, अब देखते हैं कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। कुंभ राशि वालों का आज का दिन रोग मुक्त होने का है। यदि आपको कोई रोग तकलीफ परेशानी है, आज के दिन रोग तकलीफ समाप्त हो सकती है, मगर ध्यान रहे आप इसमें उलझे नहीं। हो सकता है कि आप रोग के बारे में ज़्यादा ही कुछ चिंता करने लगेंगे, परेशान होने लगेंगे। जा रहा है तो जाएं, अपने आप को पॉजिटिविटी में रखें, बेहतर रखें, क्योंकि आपका समय बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अनुकूल है, नेगेटिव चीज़ों में फंसने का नहीं है। अगर आपका कोई शत्रु या आपका कोई कंपटीटर आपको प्रॉब्लम करने की कोशिश कर रहे थे या आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, रास्ते में बाधा बन रहे थे, तो उनका भी पत्ता साफ होने वाला है। मतलब कहीं से भी वो आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। इतनी पॉजिटिविटी, इतनी ऊर्जा आपके अंदर दिख रही है। आज के दिन को बेहतर करने के लिए लाल रंग और काला रंग, नीला रंग, ये सब रंग आपको बहुत ही पॉजिटिव करेंगे। पूरी तरह से सॉलिड तरीके से कॉन्फिडेंट होकर के आप आगे बढ़ेंगे। किसी भी तरह से कोई कमी आने का नहीं दिख रहा है। बस इतना ध्यान रखें कि क्रोधित नहीं होना है आपको। किसी भी तौर पर किसी के साथ बुरा नहीं बोलना है, अपशब्द नहीं बोलना है। वाणी पर नियंत्रण रख के चलिए, क्योंकि आपकी ऊर्जा इतनी बलवान है, इतना कुछ अच्छा है कि आपको सब बाकी लोगों की कमियाँ दिखेंगी। ऐसे में अपने आप को संतुलित रख के चलना बहुत ज़रूरी है। यदि आप संतुलित रख पाए तो सफलता बहुत ही अच्छी मिलने वाली है, ऐसा दिखता है। ऐसे करके आप इस दिन का सदुपयोग कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। आइए दर्शकों, मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा देखा जाए। मीन राशि वालों का ऐसा दिख रहा है कि मीन राशि वाले कोशिश कर रहे हैं, इनका मन अपने जीवन साथी के साथ, पार्टनर के साथ डिस्कस करने का, बात करने का, समय बिताने का हो रहा है, लेकिन इनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। मतलब बहुत अच्छा कुछ नहीं हो पा रहा है, जैसे समय नहीं बिता पा रहे हैं उनके साथ या उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे समय में आपका निराश होना नेचुरल है। कोशिश करें कि इस समय पर निराश ना हो इस बात की वजह से। बजाय निराश होने की कोशिश करें, अपने आप को पॉजिटिव करें, महामंत्र का जाप करें, विष्णु भगवान की प्रार्थना से प्रार्थना करें, कृष्ण भगवान से प्रार्थना करें, बेहद अच्छा रहेगा। और चंदन का टीका माथे पर जरूर लगाएं और प्रार्थना करके ही दिन की शुरुआत करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। नहीं तो क्या है, वो ट्रैप में रहेंगे नेगेटिविटी के और आप दुखी रहेंगे। अगर आप ऐसा कर लेते हैं, महामंत्र का जाप कर लेते हैं और भरपूर मात्रा में जल ग्रहण करें, ताकि किसी भी तरह से बॉडी डिहाइड्रेटेड ना रहे। डिहाइड्रेट का मतलब है कि जल की कमी हो जाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपके दिन का पूर्ण सदुपयोग कर पाएंगे। पीला वस्त्र धारण करना, श्वेत वस्त्र धारण करना और लाल वस्त्र धारण करना बहुत ही ज़्यादा सहयोगकारी होगा। आप इस तरह से अपने आप को पॉजिटिव करके दिन का सदुपयोग करके लाभान्वित हो जाएंगे। तो ये था दर्शकों, सभी 12 राशियों के बारे में क्या हाल रहेगा मैंने बताया। अब उम्मीद करते हैं कि आप सब लाभ ले पाएंगे, अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर पाएंगे। कल भी उपस्थित होंगे आपको बताने के लिए आपके सभी राशियों का हाल। तो मिलते हैं फिर कल। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।